हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम और आप लोगों की जैसे ही एक नॉर्मल लड़की हूँ। और लॉकडाउन की दिक्कत का सामना हमें भी करना पड़ रहा है, एज़ हमें ही क्या, हमारे पूरे देश को, हमारे पूरे विश्व को इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्लेस राइट नाउ। द बेस्ट थिंग वी कैन हेल्प विथ इज़ बींग सेफ एंड स्टेइंग एट होम। एंड यू सी हाउ थिंग्स आर शेपिंग अप। आई हैव टू टेल यू, आप अपने आइसोलेशन में रहिए। अगर ज़रा भी भनक लगती है या ज़रा भी आप लोग को ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है या आपकी हेल्थ से कोई प्रॉब्लम है, या हेल्थ में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, जहाँ पे खांसी सर्दी, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हाई फीवर है, या कुछ सिम्टम्स दिखाई जा रहे हैं जो कोरोना की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ चेक करा लीजिएगा बिना ही किसी देरी किए। और मेंटेन डिस्टेंस इज़ द ओनली की वर्ड टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। एंड दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। आपको बार बार हाथ धोते रहना है और साबुन से धोइए, अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो, या कोई भी चीज़ हो जिससे आपको हाथ धो सकते हैं अच्छी तरीके से, आप उसे यूज़ करिए। घरेलू उपाय करिए हाथ धोने के लिए, कम से कम 20 सेकेंड्स तक धोइए एज़ पर द गवर्नमेंट, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च कर रखा है और हमें बताया है कि इसका सोल्यूशन क्या है। हमें इसका पालन करना है और हमें इन चीज़ों से लड़ना ही है, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा स्मार्ट ना बने और घर पे रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बोर तो सभी हो रहे हैं, मैं भी हो रही हूँ, लेकिन अपने आप को बिज़ी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप स्केचिंग कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं घर के अंदर अपने, और या मेडिटेशन करिए, योगा करिए, स्ट्रेचिंग करिए, बुक्स पढ़िए, मूवीज़ देखिए। इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उसमें जाके कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ या वेब सीरीज़ देखिए या फिल्म्स देखिए या कुछ अच्छे कंटेंट पढ़िए, या आपके स्कूल्स जो बच्चे हैं वो स्कूल्स के बारे में बुक्स लेकर अपने स्टडीज़ के बारे में पढ़े, आने वाली चीज़ों के बारे में पढ़े। इससे निराश होने का कोई अर्थ नहीं है, बिकॉज़ आपको पता है कि ये चीज़ें हैं और आपको इससे लड़ना ही है। तो अब इसका यही एक सलूशन है कि आप किस तरीके से फ़ाइट कर रहे हैं, ये पीरियड हम कैसे एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी तो क्राइसिस होगा ही। इकोनॉमिकली वी विल बी लाइक वेरी मच डिस्टर्ब, नॉट ओनली अस बट मेनी ऑफ आर अदर कंट्रीज, नेबर कंट्रीज। बट ये वक्त सोच समझदारी से दिखाने का है और ना कि अपने बचपने से रहने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम ये कड़ी सकता है। अगर सरकार नहीं करेगी तो ये हम सब पर भारी पड़ सकता है। ये आपके लिए है, आपके परिवारजनों के लिए है, क्योंकि काफ़ी लोगों की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है दूसरों को ट्रीट करते हुए। तो क्या आप चाहेंगे कि ऐसी ट्रीट करने में भी लोगों की जान चली जाए? तो इससे बेहतर ये होगा कि आप घर पर रहिए और ये मुश्किल का जो समय है ये हम सब साथ में मिलकर इसे सॉल्व करें। बस अपने हाथों को हमेशा धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, और ट्राई करिए कि आप जो भी एरिया छू रहे हो, जैसे कि घर की चाबियां हो या दरवाज़े को ठकठकाने से लेके कुंडी से लेके हर एक चीज़ को लेकर, आप उसको सैनिटाइज करें या साफ़ कर दें हमेशा। और ज़्यादातर अवॉइड करें चीज़ें छूना जब आप पब्लिक चीज़ें यूज़ कर रहे हो। तो मार्केट में जाते ही आप एक एक मीटर के डिस्टेंस पर रहिए, भाजी सब्जी जो भी खरीदना है आप खरीदिए, बट दूर से डील कीजिए, किसी के संपर्क में नहीं आइए, मास्क लगाइए, कुछ चीज़ों का प्रिकॉशंस लीजिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। और प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर, अगर आप लोगों ने दैट्स प्रिवेंशन आपको लेना पड़ेगा। और तो यही है कि आप, हालांकि मैं कुछ नया तो नहीं बोल रही हूँ, ऑब्वियसली सब लोगों ने बोला होगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर मैं मेरे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन से अगर लोगों को लगता है कि कुछ मेक्स अ डिफरेंस, देन ऑफकोर्स वाई नॉट। सो गाइस, प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, कुछ ना कुछ नया कीजिए, और ये बेस्ट टाइम है, यूटिलाइज कीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर।